हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आईवी कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा एफएक्स के फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि ये आईवी कुमार चैनल है। आप यूट्यूब में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आईवी कुमार और आपको सारे लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको इस टाइप के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आते हैं, हम देखते हैं कि पहला प्रोजेक्ट अगर मुझे बनाना है जावा एफएक्स का तो कैसे बनाएं, क्या जावा एफएक्स जो है वो किस वर्जन तक सपोर्ट करता है। पहले मैं बता दूँ कि जावा एफएक्स जो है वो बेसिकली GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर जावा में आपको GUI एप्लीकेशन बनाना है तो जावा एफएक्स का यूज़ करते हैं। तो मैं जावा एफएक्स का एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं इक्लिप्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें जावा एफएक्स के एप्लीकेशन या जावा के एप्लीकेशन या वेब के एप्लीकेशन जो जावा पे बेस्ड है वो भी बना सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो तो जावा एफएक्स के लिए है, तो चलिए देखते हैं जावा एफएक्स। तो जावा एफएक्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट पर या फाइल न्यू और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया मैंने जावा एफएक्स डेमो। आप अपनी पसंद का नाम चूज़ कर सकते हो। क्या हम जावा जो है जावा के 15th वर्जन पे चला सकते हैं? तो बिल्कुल, जावा एफएक्स जो है आप जावा के 15th वर्जन पे भी चला सकते हो। तो आप इसे एज इट इज़ रहने दो। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जावा एफएक्स जो है वो सिर्फ 11 तक सपोर्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। आप जावा एफएक्स के प्रोजेक्ट्स जो है आप जावा के 15th वर्जन या 16th वर्जन पे भी चला सकते हैं, मीन्स जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उस पर चला सकते हैं। ठीक है, तो इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। इसे आप मॉड्यूल को नहीं क्रिएट करेंगे, डोंट क्रिएट कर देंगे फिलहाल। तो ये हमारा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ जावा एफएक्स की लाइब्रेरी ऐड करनी है। जिस लाइब्रेरी को ऐड करके आप जो है इस प्रोजेक्ट को रन करने लायक, यानी जावा एफएक्स प्रोजेक्ट आप इसके अंदर बना पाओ, जावा एफएक्स की क्लासेस यूज़ कर पाओ, तो इसके लिए इसमें कुछ डिपेंडेंसी यानी जार फाइल्स ऐड करनी होगी। वो जार फाइल्स मिलेंगी कहाँ पे? तो आप जाएंगे गूगल पे, गूगल में आप टाइप करेंगे ग्लूऑन जावा एफएक्स। ग्लूऑन जावा एफएक्स आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा जावा एफएक्स ग्लूऑन। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जावा एफएक्स का जो है यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी जावा एफएक्स विंडोज़ के लिए भी, लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जैसे मैक के लिए भी, लिनक्स के लिए भी। ठीक है, तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जावा एफएक्स 11 इज़ द फर्स्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज ऑफ जावा एफएक्स बाई ग्लूऑन फॉर कमर्शियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ जावा एफएक्स 11, प्लीज़ रिव्यू आर दिस। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट अभी जो है हम फिलहाल फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने के मूड में हैं तो उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरा विंडोज़ है तो मैं यहाँ पे ये डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास ये 40 MB का जो है SDK जो है मिल जाएगा जावा एफएक्स का। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर की लाइब्रेरी देख लेते हैं कि क्या क्या लाइब्रेरीज़ हैं। इसके क्लिक कीजिए, लिब देखिए, लिब के अंदर जो ये जार फाइल्स हैं, इन जार फाइल्स की ही ज़रूरत है, इन्हें हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे। कैसे? तो इक्लिप्स में चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, जावा बिल्ड पाथ में जाते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरीज पर क्लिक करके क्लास पाथ को सेलेक्ट करते हैं और फिर आप यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐड एक्सटर्नल जार करेंगे तो जहाँ पे भी आपका वो फोल्डर है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया अभी जार फाइल्स, उन सब को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। जिप फाइल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जार फाइल ओपन कर लेंगे। ये देखिए क्लास पाथ में ऐड हो गया, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। राइट, तो इतना करके हमने जार फाइल ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे जावा एफएक्स के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं क्लास। तो SRC के अंदर सारी जावा फाइल्स होती हैं, राइट क्लिक किया SRC पे, न्यू,
क्लास बनाई। क्लास का नाम रखा सपोज माई एप्लीकेशन, ठीक है। पैकेज का नाम जो है मैंने लिख दिया आईबी कुमार। मेन फंक्शन चाहिए तो हाँ जी मेन फंक्शन भी चाहिए, फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा जो है बन गया पहला जावा प्रोग्राम, ठीक है। अब इसे जावा एफएक्स में कन्वर्ट करना है, तो जावा एफएक्स के लिए यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नाम होता है एप्लीकेशन। यानी आपकी क्लास किस क्लास की चाइल्ड होनी चाहिए? एप्लीकेशन क्लास की। तो यहाँ पे जब आप कर्सर ले जाएंगे तो अगर आपने लाइब्रेरी ऐड कर रखी होगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि एप्लीकेशन जो है वो क्लास किसके अंदर है, जावा एफ एक्स डॉट एप्लीकेशन। तो ये वाला चूज़ करना है आप, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब आप जो है एप्लीकेशन क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट, उसे आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कर्सर ले जाइए, तो ये एरर दे रहा है कि आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है, एप्लीकेशन जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसके अंदर जो मेथड है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है स्टार्ट, आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, यू कैन सी। तो ओवरराइड कर दिया हमने। अब इसी के अंदर हम स्टार्ट के अंदर क्या लिखते हैं, जो हमें जीयूआई का कोड क्रिएट करना होता है, जो हमें जीयूआई क्रिएट करना है वो कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर एप्लीकेशन क्लास का एक फंक्शन हम कॉल कर देते हैं जिसका नाम है लॉन्च, और जो आपके पास एक एरे है ARGS उसको यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं। फिर यहाँ पे बटन्स बनाएंगे हम, मान लो एक बटन बनाना चाहते हैं तो बटन बनाएंगे, बटन क्लास है जावा एफएक्स के अंदर, तो बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक है, और इस पे जो भी लिखना है आपको लिख दीजिए। तो पहले बटन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर दिया, जावा एफएक्स वाला इंपोर्ट करना है आपको, ठीक है, कर दिया। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, मैंने कहा मुझे इस पे लिखना है क्लिक मी बटन पे, तो आपको इसे सेव कर देना, यानी बटन जो आएगा आपके सामने उस बटन पे क्लिक मी लिखा हुआ आएगा। अब बात आती है इस बटन को कहाँ पे ऐड करें, तो बटन को ऐड करने के लिए आपके पास एक क्लास आती है जिसका नाम है सीन, तो सीन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे आप और सीन क्लास के अंदर पास कर दोगे बटन को और बताओगे कि ये बटन कितना एरिया लेने वाला है। तो हमने कहा ये 400 पिक्सल विड्थ लेने वाला है और 400 पिक्सल हाइट लेने वाला है, ठीक है, और ये सीन जो क्लास है उसको इम्पोर्ट कर लोगे आप, ठीक है। तो दो स्टेप हो गए। सीन के बाद जो हमारा मेन फ्रेम आएगा, जो हमारी मेन स्क्रीन आएगी आपके GUI की, उसके लिए होता है स्टेज, तो वो आपको बनाना नहीं है, वो देखो स्टेज यहाँ पे आपको मिल रहा है। स्टेज एक क्लास है जिसके थ्रू आप पूरे GUI एप्लीकेशन का मेन फ्रेम, ये पूरी स्क्रीन जो आपको दिख रही है आप उसे समझ सकते हो स्टेज, ठीक है। तो स्टेज आपको बनाना नहीं है, स्टेज आपको मिल रहा है यहाँ पे, बस आपको इसे यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो पहला स्टेप की स्टेज जो हमें मिला है उसका टाइटल सेट कर लेते हैं। सेट टाइटल फंक्शन है, हमने लिखा माय जावा एफएक्स फर्स्ट एप्लीकेशन, इतना कर दिया। फिर स्टेज डॉट ऐड सीन करेंगे, ठीक है, सेट सीन, सीन में जो हमने सीन बनाया है उसको ऐड कर देंगे। सीन क्या है बेसिकली, आप समझ सकते हो बटन ही है, बटन को सीन में ऐड किया हुआ है। तो सीन को मैं अगर स्टेज में ऐड करता हूँ, यानी कि स्क्रीन में ऐड कर दिया मैंने बटन, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, स्टेज डॉट शो, यानी हम स्क्रीन को शो कर देंगे। स्टेज को आप समझ सकते हो ये मेन विंडो है, ठीक है, मेन विंडो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन विंडो ही लिख देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए, राइट। तो दिस इज़ अ मेन विंडो, तो ये हो गया हमारा काम डन। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है, तो रन करके देखते हैं। यहाँ रन बटन है, इस पर क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने रन किया तो आपके सामने यहाँ पे एक एरर है जिसका नाम है जावा एफ एक्स रन टाइम कॉम्पोनेंट आर मिसिंग एंड आर रिक्वायर्ड टू रन दिस एप्लीकेशन। ये एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो जावा एफ एक्स के बिगिनर्स को आती है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जनरली कि कौन से एरर्स आते हैं। तो आपके पास जैसे ही फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये एरर आती है, एरर जावा एफ एक्स रन टाइम कॉम्पोनेंट्स आर मिसिंग एंड द रिक्वायर्ड टू रन दिस एप्लीकेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन।
इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास पहले तो राइट क्लिक करना है इसे और रन एज में जाना है, और आपको यहाँ पे रन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ठीक है। यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँच के देखिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट नाम का टैब है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पहुँचने के बाद ठीक है, एक कोड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने कोड वो लिख रखा है, ये कोड आपको कॉपी करना है। कॉपी करा और यहाँ पे ले जाके पेस्ट किया, पेस्ट तो कर दिया, बट यहाँ पे जो पाथ है वो आपने जो जावा एफएक्स की लाइब्रेरी डाउनलोड कर रखी थी उसका पाथ दे देना है यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर। तो चलिए लेके आते हैं पाथ, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे ई ड्राइव में जावा एफएक्स फोल्डर में ये एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो लिब तक का पाथ आपको देना है। तो लिब तक का पाथ कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए, और फाइनली आपको क्या कर देना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है और रन पे क्लिक कर देना है। और देखिए हमारा ये पहला जावा एफएक्स फर्स्ट एप्लीकेशन, देखिए हमारे स्टेज यानी मेन विंडो का टाइटल है माई जावा फर्स्ट एप्लीकेशन, माई जावा एफएक्स फर्स्ट एप्लीकेशन, और ये रहा बटन। अभी इस पर हो नहीं कुछ रहा बिकॉज हमने इवेंट हैंडलिंग नहीं की है, तो जब हम इवेंट हैंडलिंग करेंगे तो ये भी काम करने लगेगा, ये भी वर्क करने लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।